प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि निज़ामे दौरान खून के जरिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा तक गजाई अज़ा और गैसों को जो है वो पहुँचाया जाता है और वहाँ से फाजिल मादों को दिल की तरफ लाकर फेफड़ों के जरिए और निज़ामे इस्तेफाज के जरिए जिस्म के बाहर किया जाता है। तो दिल ये काम किस तरह अंजाम देता है, इस बिना पर हमारे दिल की साख का मुशाहिदा करेंगे। दिल जो है वो हमारे सीने के पिंजरे के दरमियान में वाक़ होता है, जो दोनों फेफड़ों के दरमियान फसलियों के पीछे और किसी कदर बाई जानी झुका हुआ होता है। दिल की जसामत जो है वो इंसानी मुट्ठी के बराबर होती है और वजन तकरीबन 360 ग्राम के करीब होता है। दिल एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो दिल की हिफाजत का काम करती है। इस झिल्ली के दरमियान में एक हिफाजती माया भरा होता है जो किसी भी ज़र्ब लगने से हमारे दिल को महफूज रखता है। दिल एक ऐसा उज़्ज़ाती उज़्व है जो चार खानों पर मुश्तमिल है। दो खाने ऊपर की तरफ होते हैं और दो खाने नीचे की तरफ होते हैं। ऊपरी खाने जो है वो अज़्नुल क़ल्ब कहलाते हैं और निचले खाने जो है वो बतनुल क़ल्ब कहलाते हैं। इस तरह से दिल जो है वो चार खानों में तकसीम होता है, जिसमें दाएं और बाएं अज़्नुल क़ल्ब और दाएं और बाएं बतनुल क़ल्ब। इस तरह से जो है हमारा दिल की साख्त होती है। दिल की साख्त के बारे में हम जान चुके हैं। हम जानते हैं कि दिल को मुख्तलिफ अज़ा से या हर खलिए से जो है वो खून की नालियाँ जोड़ती हैं। खून की नालियाँ दो किस्म की होती हैं, शीरियान वरीद। शीरियान जो है वो दिल से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक ऑक्सीजनी खून लेकर जाती है। शीरियानों की दीवारें उमूमन पतली होती हैं, जिसकी वजह से तरसील का फैल आसानी से अंजाम दिया जाता है और शीरियानों में कोई खुलबंद पाए नहीं जाते। सिर्फ फेफड़े की शीरियान ऐसी होती है कि जिसमें गैर ऑक्सीजनी खून होता है। इसके अलावा तमाम शीरियानों के अंदर ऑक्सीजनी खून पाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ खलियात से दिल की जानब खून लाने वाली जो नालियाँ होती हैं उन्हें वरीद कहते हैं। वरीद उमूमन जो है वो जिल्द से लगी होती है, ऊपरी सतह में होती है और शीरियानें जो है वो गहराई में पाई जाती हैं। बड़ी वरीद जो होती है उसमें जो है वो खुलबन पाए जाते हैं ताकि जो फाजिल मादे हैं वो जो है वो वापस ना आ सके और उनको जो है वो दिल की तरफ जो है वो या इस्तेफाजी निज़ाम की तरफ जो है वो ले जाया जा सके। फेफड़ों की वरीद के अलावा तमाम वरीदों के अंदर गैर ऑक्सीजनी खून पाया जाता है, सिर्फ फेफड़ों की वरीद जो है वो ऑक्सीजनी खून लेकर आती है। इसके अलावा शीरियानें जो है वो जिस्म के अंदर जब गहराई में जाती हैं तो वो शाखों में तकसीम हो जाती हैं और ये शाखें एक वक्त में बाल जैसी नज़र आने लगती हैं। ये बाल जैसी नज़र आने वाली जो खून की नालियाँ हैं इनको हम खून की शेरियाँ कहते हैं। इस तरह से खून की जो है वो तीन किस्म की नालियाँ होती हैं, जो दिल से जो है वो अज़ा को लेकर जाती हैं और अज़ा से जो है जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से दिल की तरफ जो है वो फाजिल मादों को लाती हैं।